हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सियासी बिस्सात में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। सियासत में ऐसी घटनाएं कम होती है जिनका मकसद कुछ और होता है, मगर उसका असर कुछ और ही दिखने लगता है। ये फायदेमंद भी हो सकता है और कभी कभी काफी नुकसानदायक भी। वैसे भी सियासी ताली एक हाथ से बजती नहीं है, इसके लिए दूसरा हाथ जरूरी होता है। किस्मत से यह दूसरा हाथ मिल भी जाता है और उसके इस्तेमाल भी कुछ ऐसे होते हैं कि मुद्दा भी जिंदा रहे और काम भी चलता रहे। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आग भले ही देश भर में लगी हो, मगर इस आग से सिर्फ और सिर्फ सियासत ही गरमाई हुई है, क्योंकि मुद्दों की बह रही गंगा में उतरना हर कोई चाह रहा है। भाई, चुनावों का मौका जो है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 सदन में पेश होने से पहले ही चर्चा में था। हालत ये हो गई थी कि इसे पेश करने के लिए भी सदन में पक्ष विपक्ष की वोटिंग करानी पड़ गई, और इस वोटिंग से लेकर राज्यसभा की वोटिंग तक विपक्ष एक बार भी आगे नहीं निकल पाया। मगर बिल के लागू होने के बाद विपक्ष सरकार पर हावी हो गया है, क्योंकि शायद सदन के बाहर इस बिल को लेकर उसे लोगों का समर्थन मिल रहा था। मगर समर्थन तो सरकार को भी मिल रहा है, लेकिन विपक्ष सदन के बाहर काफी हावी है। Situation in the northeast, which is now spreading throughout the country, including the capital, in the Jamia University, because of the act, is a very serious situation. We fear that it may spread even further. We are anguished at the manner in which the police has dealt with peaceful demonstrations. We have the example in Delhi where the police entered the Jamia women hostel and dragged the women students out. It mercilessly beat other students, not only here in Delhi, who were demonstrating, which is their democratic right, as is our, to demonstrate. इस कानून को रद्द करने की आवाज विपक्ष न जाने कितनी बार उठा रहा है, मगर सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि ना तो कानून में कोई बदलाव किया जाएगा और ना ही इसे वापस लिया जाएगा। फिर भी विपक्ष पहले तो सुप्रीम कोर्ट गया, जब तक कोर्ट इस पर कुछ कह पाता उससे पहले ही विपक्ष राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। राष्ट्रपति ने क्या आश्वासन दिया इस पर तो अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष का दिल जरूर तोड़ दिया। बुधवार को कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए ये साफ कर दिया कि फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। सीएए के विरोध में रविवार को जामिया और मंगलवार को सीलमपुर में जो हुआ, इसके बाद तो सियासत होना उतना ही लाजमी है जितना बारिश के वक्त बादलों का गरजना। शुरुआत विपक्ष में बैठी बीजेपी ने की कि आपके स्थानीय विधायक की रैली के बाद जामिया में हिंसा भड़क गई, मगर सीलमपुर में हिंसा होने के बाद ही स्थानीय विधायक घर से बाहर निकले और इस मामले का रुख पूर्व कांग्रेसी विधायक पर कर दिया। बुधवार को आरोपों से घिरे दिल्ली के सीएम ने अपनी एक प्रेस वार्ता की और पूरे मामले में एक अलग ही मोड़ लाकर खड़ा कर दिया। अपने विधायक के सवाल को लेकर हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हम चाहते हैं कि दिल्ली में शांति बनी रहे, हरेक को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जो भी प्रोटेस्ट हैं वो संविधान के दायरे में और अहिंसात्मक तरीके से प्रोटेस्ट होने चाहिए। किसी को भी हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। जाहिर सी बात है कि दो चीजें की जा रही हैं। एक ये कि इस वक्त जबकि ये साबित हो चुका है कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिल्ली के चुनाव में जीतने वाली है, और न केवल जीतने वाली है, भारी बहुमत से जीतने वाली है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटें 65 आएंगी कि 70 आएंगी, ऐसे में जानबूझ के
विपक्ष द्वारा हिंसा फैलाई जा रही है, जानबूझ के इस किस्म की बयानबाजी की जा रही है। आम आदमी पार्टी क्यों कराएगी? आम आदमी पार्टी को इससे क्या फायदा है? इससे किसको फायदा है? जाहिर है कि जिसको फायदा हो सकता है दंगे वही करा रहा है। एनआरसी और सीएए का पश्चिम बंगाल से काफी गहरा नाता है और पूरे भारत में इसी बंगाल में इसका सियासी फायदा या घाटा देखा जा सकता है, क्योंकि सन 1971 के बाद से अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कहीं अपने वोट का सबसे ज्यादा दबदबा दिखाया है तो वो पश्चिम बंगाल ही है। जब राज्य में कांग्रेस और सीपीएम की गठबंधन वाली सरकार थी तब यही ममता बनर्जी कहती थी कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों से निजात पाना चाहती हैं, मगर सरकार में आने के बाद से ही वो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर मेहरबान हो गई हैं और उनकी मेहरबानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पिछले तीन दिनों से सीएम ममता एनआरसी और सीएए को लेकर मार्च निकाल रही हैं। बेई मोचा में ही करेंगे, हम वही करेंगे, सबको देश से भगा देंगे। अगर हम बिहारी भाइयों को पूछता है कि आप लोग इधर में कितना मेहनत से है, अगर हम कल आपको कहे कि आप लोग इधर से चला जाओ आपका दिल में दुख नहीं लगेगा? यही बात कर रहा है बीजेपी। यूपी में कहते हैं आप निकाल जाओ, महाराष्ट्र में कहते हैं निकाल जाओ, बिहार में कहता है एनआरसी करो, बंगाल में बोलता है एनआरसी करो, असम में सब निकाल दिया, त्रिपुरा जल रहा है, असम जल रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न जल रहा है, दिल्ली जल रहा है, क्या हो रहा है? तो सबका विकास सबका साथ, तो सबका साथ कैसे है? बंगाल में बोल बांग्लादेश ने भी बोली बिहारी हटाओ, बिहारी यदि की बोले बंगाली हटाओ, हिंदुस्तान ने यदि बोले मुस्लिम हटाओ, पंजाबी की यदि बोले बिहारी हटाओ, राजस्थानी की यदि बोले मारवाड़ी हटाओ, तो क्या हो? बुधवार को कोर्ट ने केंद्र को भेजी गई नोटिस में ये लिखा है कि इस कानून को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है, जिसकी वजह से लोग अफवाहों का शिकार हो रहे हैं, तो इसके प्रचार के लिए तुरंत साधन मुहैया कराया जाए ताकि लोगों को ये कानून कम से कम समझ में आए। जिससे एक बार फिर ये सवाल जरूर आता है कि क्या सचमुच सरकार इस बिल को लाने के चक्कर में इसे समझाना भूल गई, या फिर सरकार और विपक्ष चाहते ही नहीं है कि इस बिल को कोई समझ पाए? मगर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।